गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल रश्मि सहोत्रा। आज है मेरे रिलेटिव के घर में रिटायरमेंट फंक्शन और हम सभी जा रहे हैं वहाँ धाम खाने के लिए और फंक्शन अटेंड करने के लिए। फंक्शन है जयसिंहपुर से 2 किलोमीटर दूर बीजापुर में। तो अभी हम पहुँचे हैं सीताराम मंदिर में, यहाँ करेंगे भगवान जी के दर्शन और यहाँ सभी रिलेटिव इकट्ठे हुए हैं दोनों साइड से और सभी खूब मस्ती और मज़े कर रहे हैं। ये हैं मेरे ताया ससुर जी के सबसे छोटे बेटे और उनकी बहू और इनकी है रिटायरमेंट बिजली विभाग से। करो करो सी डांस डांस करो बच्चे। गुड गर्ल। अभी हम मंदिर से नाचते गाते हुए घर तक जाएंगे। सिया भी खूब मजे ले रही है, खूब ढोल पर नाच रही है। ये देखिए कितना ही सुंदर फूल, बहुत ही सुंदर शेड्स, बड़ा ही सुंदर फूल है। घर पहुंचने के बाद फिर हमने लिया हिमाचली धाम का मजा और सच में धाम बहुत ही स्वादिष्ट थी और खाने का मजा ही आ गया। धाम खाने के बाद फिर से नाच गाना और नाचते नाचते हम सब ने विदा ली इस घर से। सभी को अपने घर जल्दी पहुंचने की जल्दी थी क्योंकि अगले दिन था करवा चौथ और सबने अपने घर में तैयारियां करनी थी। करवा चौथ है और मैंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, सूट तक स्टिच नहीं किया है और सामान भी नहीं खरीदा है। सच में मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, इतनी बिजी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। The next day. Good morning everyone. अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मेरी अभी कोई तैयारी नहीं हुई है। अभी मैं ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना सारा काम करूंगी और दिखाती हूँ आपको करवा चौथ की क्या क्या तैयारी की है मैंने। रात को इतना लेट हो गई कि मेहंदी तक नहीं लगाई है, अब लगा लेती हूँ मैं, देखती हूँ। मैं सारे काम इतने जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि मुझे खुद ही पता ही नहीं है कि मैं कौन सा काम कब कैसे और कहाँ करूँ। A few moments later. अब हम सारे जा रहे हैं शॉपिंग करने।
क्योंकि हमने करना है टाइम पास। तो यहाँ लगा हुआ है मेला, तो हम सब जा रहे हैं मेले में शॉपिंग करने, ताकि अच्छे से हमारा 5:30 बजे तक टाइम व्यतीत हो जाए। तो ये मेहंदी मेरी अभी गाड़ी हो जाएगी शाम तक। आज है करवा चौथ और हम आए इस ग्राउंड में। ये देखिए, अब जो थोड़ी सी शॉप्स रह गई हैं उनमें कर लेते हैं शॉपिंग। कुछ सामान मैंने इनसे शाम के समय मंगवा लिया था, और जो कुछ रह गया था वो मैं अभी शॉपिंग कर लूंगी, और रात को पूरे 12 बजे तक मैं अपना सूट सिलती रही। कथा का मुहूर्त 5:30 से लेके 6:30 बजे तक है, तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30, और हमने जो टाइम यहाँ पर स्पेंड करना है वो करना है 2:30 बजे तक। उसके बाद हम घर जाकर बाकी तैयारी करेंगे। इस बार ये बहुत अच्छी बात रही कि मेला 2-3 दिन और लगा रहेगा, और हमें घूमने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। सुबह का समय तो बहुत जल्दी से व्यतीत हो जाता है, पर दोपहर का समय निकालना बहुत मुश्किल है। तो हम सभी ने यही प्लानिंग की कि हम जाकर थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। अब बज रहे हैं 2:30 और हम जा रहे हैं घर। जो बांटने के लिए थोड़ी मिठाई रह गई थी वो भी हमने इस टाइम खरीद ली। Later. तो ये है मेरी फैनिया, ये आ गई मठियां, और ये आ गई जलेबियां, जो यहाँ पर बहुत जरूरी है। और साथ में ये मैंने सुहागी कर ली तैयार, साथ में ये वाली। तो इस बार मैंने क्या किया है कि ये अलग से पैकेट में रखी है, ये और ये, और बाकी तो ये सब मैंने पैक कर दिया है जिनको जो जो देनी है। 2 hours later. अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैं हो गई हूँ तैयार। तो इस बार मैंने प्लान किया है कि थाली घुमाने वाली जो प्रथा है इस बार मैं ज़रूर करूँगी। तो मैंने सभी लेडीज़ को अपने घर बुलाया है, क्योंकि यहाँ रिवाज नहीं है ये वाली प्रथा का। इस बार मैं अपने घर में कर रही हूँ ये करवा चौथ का सेलिब्रेशन, तो इसलिए मैंने यहाँ ये बिछा दी है दरी, और सबको बुलाया है। पहली बार करेंगे तो देखते हैं कैसा होता है। तो यहाँ मैंने ये लड़ियाँ लगा दी हैं थोड़ा इस तरफ भी, और यहाँ बैठने के लिए कर दिया है। देखो आई पहली पहली मेंबर आई। मैंने सोचा था कि सभी पूरे टाइम पर आ जाएंगे 5:30 बजे, तब तक सूरज की रोशनी बहुत बढ़िया थी आंगन में। अभी बज रहे हैं 6:00, क्योंकि कोई अपनी गाय संभाल रहा था, कोई अपने बच्चों के लिए खाना बना रहा था, हर कोई बिजी था। तो फिर मैंने सभी को बताया कि हमें 1/2 घंटे में पूजन कर लेना चाहिए। तो हमने यूट्यूब पर लगा दिया करवा चौथ का सॉन्ग और कथा, और जैसे जैसे वो कथा कर रही थी और साथ में जब गाना आ रहा था तो हम वो थाली घुमा रहे थे। तो इस तरह से मज़ा भी आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था, और हमारा बहुत अच्छे से पूजन भी हो गया। फिर भजन कीर्तन करने के बाद हम सब ने किया अपना फोटोशूट, और बहुत ही अच्छा लगा कि पहली बार हम सभी इकट्ठे हुए हैं और इस तरह से तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ देने के लिए, अभी देकर आती हूँ। सदा सुहागन रहो। ठीक है, सुहागी दे दी मैंने। ये दिया इसने अपने सास ससुर जी को गिफ्ट। फिर से अच्छा जेठ की भी है। सॉरी
सॉरी सॉरी देख चलो अच्छा अच्छा चंदवंदना जेठ जी, तो ये मेरा सामान निकल आया है चांद। अब मैं जा रही हूँ ऊपर। अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और चांद निकल आया है, और इस बार मैंने छत पर लाइट का इंतजाम किया है, तो देखते हैं किस तरह से तस्वीरें आती हैं। मेरे फ़ोन और SD कार्ड की मेमोरी दोनों फुल हो चुकी थी, जिस कारण मैं पूजन के बाद की वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि दशहरे के बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और फ़ोन में से कुछ वीडियोस डिलीट करना भूल गई थी। तो चंद्रमा का पूजन करने के बाद फिर किया मैंने अपने पति देव जी का पूजन और उनसे लिया आशीर्वाद, और फिर मैंने खाया खाना। तो ये था आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।